हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विनय की पाठशाला में। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 7 की गणित प्रकाश और इसकी अभ्यास कार्य पुस्तिका और उसकी इकाई 2 घातांक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज का प्रश्न नंबर 1। तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर दिया गया है कि निम्नांकित सारणी में खाली स्थान भरिए। एक टेबल दी गई है और इसमें हमें खाली स्थान को भरना है। तो सबसे पहले घातीय संकेतन है और उसके बाद गुणानुरूप है। तो 3 की घात 2, 3 × 3, 3 × 3 9, इसमें आधार 3 है और घात 2 है। वही काम यहाँ पे करेंगे, 4 की घात 3, इसमें 4 × 4 कितनी बार होगा? 3 बार। क्यों? क्योंकि ऊपर घात में 3 है, तो 4 का 4 में 3 बार गुणा होगा। अब गुणा करेंगे तो कितना मान आएगा? 4 × 16 और 16 × 64। इसमें आधार कितना है? 4 और घात कितना है? 3। ठीक है, आगे है 2 की घात 4, इसमें गुणानुरूप कितना है? घात 4 है, तो 2 का 2 में 4 बार गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मान कितना होगा? तो 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16। यहाँ पे आधार कितना है? 2 और घात कितना है? 4। तो आधार है 2, घात है 4। आगे देखते हैं 5 की घात 4। तो यहाँ पे देखो 5 का कितनी बार गुणा होगा? घात 4 है ना, तो 4 बार 5 लिखेंगे हम और आपस में गुणा कर देंगे। मान कितना आएगा? 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125 और 125 × 6 = 625। अब इसमें हम देखेंगे तो आधार, जो संख्या नीचे आधार 5 है और घात कितना है ऊपर कितनी? 4। तो घात है यहाँ पर 4। ठीक है, आगे संख्या है 7 की घात 4। तो यहाँ पे 7 का कितनी बार गुणा होगा? 7 में 4 बार, 7 × 7 × 7 × 7। मान निकाल दो, 7 × 7 = 49 और 7 × 7 = 49। अगर हम गुणा करें तो 49 में 49 का गुणा, 9 × 81 = 1 हासिल लगा 8, 9 × 4 = 36, 36 × 2 = 72, 72 × 8 = 80 हासिल लगा 8, 4 × 4 = 16, 16 × 8 = 24, 2401। तो ये आ जाएगा हमारा 2401 इसका मान। और यहाँ पे आधार कितना है? 7 और घात कितना है ऊपर? 4। यहाँ पे देखो, इधर रिक्त स्थान है तो इसका मतलब हम यहाँ से इसको उठा लेंगे संख्या को। आधार है 5 और घात है 5, यानी 5 की घात 5। ठीक है, अब इसको गुणा रूप में अगर लिखेंगे तो 5 का कितनी बार गुणा होगा 5 में? बताइए, 5 बार गुणा होगा। ठीक है, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 25, 5 × 6 = 25, 5 × 3 = 125। ठीक है, तो ये रिक्त स्थान हमने भर दिए हैं, यही आपका आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं, वो है हमारा कि निम्नांकित सारणी में खाली स्थान भरिए। यहाँ पे भी खाली स्थान भरने हैं, तो इसमें और इसमें अंतर सिर्फ इतना है, इसमें प्लस का चिन्ह था, इसमें माइनस का चिन्ह है, बाकी सभी चीज़ें समान हैं। तो देखो, −4 की घात 3, ऊपर एक लाइन जो है वो भरी हुई है, तो −4 × −4 × −4, आधार यहाँ पे हमारा −4 है और घात है 3। मान निकालेंगे तो 1 − से − कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 × 16 = 64 और ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब है −9 की घात 2। इसका मतलब क्या हुआ? −9 का −9 में कितनी बार गुणा? 2 बार गुणा। तो मान कितना हो जाएगा? −−+, 9 × 81, आधार यहाँ पे −9 है और घातांक होगा 2। आगे है −5 की घात 5। तो यहाँ पे आधार है −5 और घात है 5। गुणा करेंगे तो −5 का कितनी बार गुणा होगा? −5 × −5 × −5 × −5 × −5 × −5, 5 बार, 1, 2, 3, 4, 5। ये 2 − − कैंसिल हो गए, प्लस हो गया, फिर से 2 − − कैंसिल हो गए, प्लस हो गया, 1 माइनस बचा। और 5 का 5 में 5 बार गुणा कर दो, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 25, 5 × 6 = 25, 6 × 25 = 3125। आप लोग चाहो तो गुणा करके देख सकते हो, ऊपर भी 5 की घात 5 था तो 3125 आया था।
आगे घातीय संकेतन में लिखा हुआ है माइनस आठ की घाती, तो इसका मतलब माइनस आठ का माइनस आठ में कितनी बार गुणा होगा, तीन बार। तो दो माइनस से माइनस प्लस हो गए, एक बचा माइनस, आठ अट्ठे चौंसठ, चौंसठ अट्ठे आठ सौ को बत्तीस की दो हाथ से लगा तीन, छः अठे अड़तालीस, उनचास पचास इक्यावन, पाँच सौ बारह, माइनस पाँच सौ बारह आ गया। अब ये आधार इसमें कितना है, माइनस आठ, और घात कितना है, ऊपर संख्या तीन, घात हो गया तीन। आगे संख्या है माइनस छः की घात चार, यहाँ पे माइनस छः का माइनस छः में कितनी बार गुणा होगा, एक दो तीन चार बार। तो ये दो बार माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये दो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस चिन्ह नहीं रहा। छः छक्का छत्तीस और छः छक्का छत्तीस, गुणा अगर करेंगे तो छत्तीस में गुणे छत्तीस का, छः छक्का छत्तीस की छः हासिल लगा तीन, छतियाँ अठारह, अठारह दूनी छत्तीस, सैंतीस अड़तीस उनतालीस हासिल लगा तीन, तीन तीन नौ, तीन बारह, बारह सौ छियानवे, यही हमारा मान आ गया इसका। अब इसमें आधार कितना है, माइनस छः, और घात कितना है, जो ऊपर संख्या छोटी सी लिखी है, चार। अंत में देखते हैं तो यहाँ पे घातीय संकेतन के रूप में नहीं लिखा है, तो हम यहाँ से संख्या ले जाएंगे आधार और घातांक से। तो ये है माइनस तीन की घात पाँच, माइनस तीन आधार और पाँच घात, इसका मतलब माइनस तीन गुणे माइनस तीन गुणे माइनस तीन गुणे माइनस तीन गुणे माइनस तीन, एक दो तीन चार पाँच, कितनी बार लिखा, पाँच बार। तो दो बार ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, एक माइनस बचा, और तीन तिया नौ, तिया सत्ताईस, तिया इक्यासी, इक्यासी तिया दो सौ तैंतालीस, मान मेरा सही है, आधार और घातांक सही है। तो इस प्रकार से हमारा ये दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ, इसमें जो भी रिक्त स्थान थे वो हमने सारे फिल कर दिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न। तो आगे हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया है कि निम्नांकित सारणी में खाली स्थान भरिए। यहाँ पे भी हमें टेबल दी गई है, खाली स्थान भरने हैं। पहले वाले प्रश्न में था सीधा सा गुणा रूप, दूसरे वाले में माइनस चिन्ह आ गया। अब इसमें परिमेय संख्याएं भी हैं, मतलब जो घातीय संकेतन है वो परिमेय संख्याओं का लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे था तीन बटे दो की घात दो, इसका मतलब आधार यहाँ पे तीन बटे दो है और घात है दो, गुणा रूप तीन बटे दो का तीन बटे दो में दो बार गुणा होगा, और मान आ गया तीन तिया नौ, दो दूनी चार। आगे देखते हैं पाँच बटे चार की घात तीन, इसका मतलब इसे कैसे लिखेंगे, पाँच बटे चार का पाँच बटे चार में तीन बार गुणा, पाँच बटे चार गुणे पाँच बटे चार गुणे पाँच बटे चार। अब मान कितना आएगा, ऊपर ऊपर गुणा कर दो, पाँच पंचे पच्चीस, पच्चीस पंचे एक सौ पच्चीस, और नीचे चार चौको सोलह, सोलह चौको चौंसठ। अब यहाँ पे आधार कितना है, कोष्टक के अंदर जो संख्या नीचे है वो हमारा आधार होती है पाँच बटे चार, और घात कितना है, ऊपर जो छोटी सी संख्या लिखी है तीन, तीन हमारा घात हो गया। आगे घातीय संकेतन में संख्या लिखी है माइनस पाँच बटे छः की घात तीन, तो यहाँ पे आधार हमारा माइनस पाँच बटे छः है और घात है तीन, यहाँ पे माइनस पाँच बटे छः कितनी बार लिखा जाएगा, तीन बार, और उनका आपस में गुणा कर दिया जाएगा। तो ये एक माइनस माइनस प्लस हो गए, उसके बाद एक माइनस बचा, पाँच पंचे पच्चीस, पच्चीस पंचे एक सौ पच्चीस, और बटे में छः छक्का छत्तीस, छत्तीस छक्का दो सौ सोलह, दो सौ सोलह है। तो ये हमारा इसका मान आ गया। आगे देखो फिर से दो की घात चार गुणे दो की घात दो, तो दो की घात चार ये लिखा है, और फिर दो की घात दो लिखा है, और फिर उसका मान दिया है, आधार इसमें दो है, घात इसमें चार, और दो एक साथ हो गई छः, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो दो की घात चार धन दो हो गया सीधा सा, है ना, दो की घात छः। इसी तरीके से इसमें देखो तीन की घात दो गुणे तीन की घात तीन, तो आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो तीन की घात दो धन तीन, यानी तीन की घात पाँच। अब तीन की घात पाँच का मतलब ये हुआ कि तीन का तीन में पाँच बार गुणा। अब यहाँ पे आधार है तीन, घात है पाँच, और ये मान कितना होगा, तीन तिया नौ, तिया सत्ताईस, तिया इक्यासी, इक्यासी तिया
तीन एकम तीन, आठ तीन चौबीस, 243। आगे चलते हैं, संख्या है हमारी माइनस चार की घात दो गुणे माइनस चार की घात चार। सीधा सा अगर हम करें तो माइनस चार की घात दो है, तो पहले माइनस चार गुणे माइनस चार कर दिया, उसके बाद माइनस चार की घात चार है, तो माइनस चार कितनी बार लिख दिया, चार बार लिख दिया। तो ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब देखो चार एक दो तीन चार पाँच छः बार है, तो अब इसको एक साथ अगर लिखें तो माइनस चार की घात छः आएगा, है ना, ये माइनस चार की घात छः, तो ये घातांक हो जाएगा हमारा छः। और माइनस चार की घात छः कैसे हुआ, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो दो धन चार छः हो गया। ठीक है, मान अगर निकालें तो चार चौको सोलह, सोलह चौको चौंसठ, और फिर से चार चौको सोलह, सोलह चौको चौंसठ, चौंसठ में गुणा कर दो चौंसठ का, तो चार चौको सोलह छः हाथ से लगाए, छः चौको चौबीस दूनी अड़तालीस, एक उनचास की नौ हाथ से लगा चार, छः छक्के छत्तीस, चालीस, चार हजार छियानवे, ये आ जाएगा चार हजार छियानवे। ठीक है, एक दो प्रश्न आप भी करिए अपने मन से। यहाँ पे देखो दो बटे तीन की घात दो गुणे दो बटे तीन की घात दो, जहाँ पे भी आधार समान हो, यहाँ भी दो बटे तीन है, यहाँ भी दो बटे तीन है, सीधा सा गुणा में घातें जुड़ती हैं, दो बटे तीन की घात दो धन तीन, यानी कि दो बटे तीन की घात दो और तीन कितने हो गए पाँच। अब इसका मतलब यहाँ पे आधार है दो बटे तीन, घात है पाँच, तो दो बटे तीन गुणे दो बटे तीन गुणे दो बटे तीन गुणे दो बटे तीन गुणे दो बटे तीन, ऊपर दो दूनी चार दूनी आठ दूनी सोलह दूनी बत्तीस, और नीचे तीन तिया नौ, नौ तिया सत्ताईस, सत्ताईस तिया इक्यासी, इक्यासी तिया दो सौ तैतालीस, ये हमारा इसका मान आ गया। ठीक है, आगे एक संख्या दी गई माइनस एक बटे दो की घात चार और गुणे माइनस एक बटे दो की घात तीन, यहाँ भी देखो आधार हमारा समान है माइनस एक बटे दो, तो आधार हो गया माइनस एक बटे दो, और घात कितना है, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, माइनस एक बटे दो की घात चार धन तीन, यानी कि माइनस एक बटे दो की घात चार और तीन सात, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस एक बटे दो गुणे 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 माइनस एक बटे दो, एक दो तीन चार पाँच छः सात। ठीक है, सात बार लिख दिया, ये दो माइनस ये प्लस हो गए, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गए, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गए, एक माइनस बचा, एक एकम एक एकम एक एकम एक का कितनी भी बार गुणा करो एक आएगा, अब इधर दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी सोलह, सोलह दूनी बत्तीस, बत्तीस दूनी चौंसठ, चौंसठ दूनी एक सौ अट्ठाईस, तो बटे में आएगा हमारा एक सौ अट्ठाईस। यहाँ पे आधार हो गया माइनस एक बटे दो, घात कितनी होगी, चार धन तीन सात, यही हमारा घातांक आ गया, तो हो गया कंप्लीट। ये देखो एक बहुत अच्छा दिया गया है प्रश्न, दस की घात चार भाग दस की घात दो, तो यहाँ पे देखो भाग में घातें घटती हैं, किस तरीके से घटती हैं वो यहाँ पे दिखाया गया है, दस की घात चार यानी दस का कितनी बार गुणा, चार बार, भाग यानी बटे, फिर दस की घात दो यानी दस गुणा दस। अब एक दस से दो दस, ये दो दस से कट गए, बचे दस गुणे दस यानी सौ, और इस सौ को लिख सकते हैं दस की घात दो, तो दस आधार हो गया दो घात हो गया, वही काम यहाँ करेंगे, दस की घात तीन भाग दस की घात तीन, तो यानी दस गुणे दस गुणे दस, और भाग है तो भाग का चिन्ह, फिर दस की घात तीन यानी दस गुणे दस गुणे दस, तो ये दस 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 कट गए, क्या बचा, एक, एक बटे एक यानी कि बचा एक, इसको हम लिख सकते हैं दस की घात जीरो, और किसी की घात जीरो होता है तो उसका मान आता है एक, तो यहाँ पे आधार हमारा हो गया दस, आधार कितना हो गया, आधार हो गया दस, और घात कितना हो गया, घात हो गया इसका शून्य, है ना, और वैसे भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी घातांक का नियम होता है भाग में घातें घटती हैं, यहाँ भी दस की घात चार भाग दस की घात दो था, तो दस की घात चार माइनस दो
यानी कि 10 की घात 4 में से 2 गया 2, यही 10 की घात 2 यहाँ पे आया और यही इसमें 10 आधार हुआ 2 घातांक हुआ। यहाँ पे 10 की घात 3 भाग 10 की घात 3, तो भाग में घातें घटती हैं, तो 10 की घात 3 माइनस 3, इसका मतलब 3 में से 3 गया 0, 10 की घात 0, तो यही हमारा यहाँ पे मान आया और यहीं पे 10 हमारा आधार हुआ, 0 हमारा घातांक हुआ। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 3 और अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न है, उसके पहले घातांक के नियम एक बार से रिवीजन करा दिए इन्होंने। a की घात m गुणे a की घात n, अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, a की घात m धन n। वही काम भाग में है, a की घात m भाग a की घात n, अगर भाग है वो आधार समान है तो घातें घट जाएंगी, a की घात m माइनस n। वही काम यहाँ पे a की घात m गुणे b की घात m, अगर घात समान है आधार अलग अलग हैं तो नीचे आधार का आपस में गुणा हो जाएगा और ऊपर घात वही रहेगी। जैसे 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5 और इसकी घात 3, यानी 5 दूनी 10 की घात 3, ठीक है। और a की घात m और उसकी घात n बराबर a की घात mn, घात पे घात का गुणा होता है, जैसे 2 की घात 3 और पूरे की घात 2, तो 2 की घात 3 गुणे 2, घात पे घात का गुणा हो जाएगा 2 की घात 6, ठीक है। तो इन नियमों का उपयोग हम आगे वाले प्रश्नों में करेंगे, तो देखते हैं आगे वाला प्रश्न। और प्रश्न नंबर 4 हमारा है कि निम्नांकित सारणी में खाली स्थान भरिए। यहाँ भी टेबल बनी हुई है, खाली स्थान भरने हैं। पहला प्रश्न है 3 की घात 4 गुणे 3 की घात 3, नियम हो गया गुणा में घातें जुड़ती हैं, 3 की घात 4 धन 3, आंसर हो गया 3 की घात 7। यहाँ पे 4 की घात 4 गुणे 4 की घात 2, तो 4 की घात 4 धन 2, गुणा में घातें जुड़ गई, 4 और 2 ये घात हैं, तो 4 की घात 6 आंसर आ गया। यहाँ पे भाग है, आधार समान है 5 दोनों तरफ, तो भाग में घातें घटती हैं, 6 माइनस 2, यहाँ पे घात 6 है यहाँ पे 2 है, 6 में से 2 घटा दिया, तो 5 की घात 6 में से 2 गया 4। यहाँ पे 6 की घात 2 गुणे 4 की घात 2, यहाँ पे देखो घात बराबर है, आधार नहीं बराबर है, तो यहाँ पे क्या होगा, 6 गुणे 4 और इसकी घात 2, 6 चौको 24 की घात 2, यही हो गया 24 की घात 2 आंसर। आगे है 5 की घात 4 और पूरे की घात 2, तो यहाँ पे लास्ट वाला नियम कि घात पे घात का गुणा होता है, 5 की घात 4 गुणे 2, तो ये 5 की घात 4 दूनी 8, और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आगे पुनः कुछ नियम दिए गए हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं कि a की घात m भाग b की घात m, वही काम अगर आधार अलग अलग हैं और घात बराबर है भाग में तो भी वो बटे हो जाएगा, जैसे 2 की घात 3 भाग 5 की घात 3, तो आधार अलग अलग है घात बराबर है, तो ये 2 बटे 5 पूरे की घात 3 ऐसे हो जाए। एक है कि किसी की घात 0 होती है तो उसका मान 1 आ जाता है, a की घात 0 बराबर 1 लिखा है, कहीं 10 की घात 0 तो ये भी हमारा 1 होगा, माइनस की घात सम संख्या प्लस 1 होगा और माइनस की घात विषम संख्या ये हमारा माइनस 1 हो गया। बहुत सरल है, माइनस की घात सम होगा अगर तो 2 या 4 में होगा तो ये माइनस माइनस कट जाएंगे, सीधा सा बना जाएगा, और माइनस की घात अगर विषम संख्या है, मान लो माइनस 1 की घात 3 है, तो माइनस 1 गुणे माइनस 1 गुणे माइनस 1, तो ये 2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 माइनस बचेगा, तो ये वही माइनस 1 आएगा। तो उन्होंने इसको नियम के रूप में लिख दिया है। और a की घात माइनस 1, अगर घात में माइनस 1 है तो ये आधार पलट जाता है, जैसे 2 की घात माइनस 1 है तो इसको हम लोग 1 बटे 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन नियमों का भी उपयोग हम आगे वाले प्रश्न में करेंगे, तो देखते हैं आगे वाला प्रश्न। और वो हमारा है कि निम्नांकित सारणी में खाली स्थान भरिए। टेबल दिया गया है 5 की घात 4 भाग 4 की घात 4, तो यहाँ पे घात बराबर है आधार अलग अलग है, तो 5 बटे 4 की घात 4 हो गया। 12 की घात 0, किसी की घात 0 होती है तो उसका मान 1 आता है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 6 की घात 3 भाग 6 की घात 3, तो आधार बराबर है, भाग में घातें घट जाएंगी, 6 की घात 3 माइनस 3, तो 6 की घात 3 माइनस 3 यानी 0, और किसी की घात 0 होता है तो उसका मान 1 आ जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं
ग्यारह बटे पाँच की घात दो भाग ग्यारह बटे पाँच की घात दो, तो आधार बराबर है, भाग में घातें कट जाएंगी, ग्यारह बटे पाँच की घात दो माइनस दो, किसी की घात दो माइनस दो यानी ग्यारह बटे पाँच की घात जीरो, किसी की घात जीरो हो जाए तो उसका मान एक आ जाता है। यहाँ पे माइनस एक की घात बारह है, और बारह हमारी कैसी संख्या है, सम संख्या है, इसका मतलब माइनस एक की घात बारह इसका मान आएगा प्लस वन, अगर तेरह होता विषम संख्या तो यहाँ पे माइनस वन होता, ठीक है, ग्यारह की घात माइनस वन, तो माइनस वन अगर ऊपर हटेगा तो ये आ जाएगा एक बटे ग्यारह, और यही हमारा आंसर आएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर छः है हमारा कि निम्नांकित सारणी में खाली स्थान भरना है, तो इसमें भी हमें रिक्त स्थान भरने हैं, तो पहले कॉलम में प्रश्न लिखा है पाँच की घात चार गुणे पाँच की घात पाँच गुणे पाँच की घात माइनस सात, तो आधार सभी में पाँच था तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, चार धन पाँच माइनस सात पाँच की घात, तो चार पाँच नौ माइनस सात पाँच की घात नौ में से सात गए दो, वही काम हम नीचे करेंगे, दो गिन और उसकी घात दो गुणे चार नौ की घात दो गुणे दो गिन की घात माइनस चार, चार बटे नौ को हमने लिख दिया दो बटे तीन की घात दो और उसकी घात दो, इधर दो बटे तीन की घात दो वही रहा, इधर दो बटे तीन की घात माइनस चार वही रहा, तो यहाँ भी देखो क्या होगा, दो बटे तीन आधार सभी में वही है दो बटे तीन, और ये दो धन घात पे घात का गुणा होगा तो दो दूनी चार और ये माइनस चार है, तो तीनों जो है घातें जुड़ गई, ये दो और ये दो दूनी की जगह पे दो की घात दो ये हो गया चार और ये माइनस चार, दो धन चार माइनस चार, प्लस चार माइनस चार कैंसिल हो गए, बचा हमारा दो बटे तीन की घात दो, ठीक है। आगे है एक बटे तीन की घात माइनस दो गुणे तीन की घात दो, तो ये देखो माइनस चिन्ह हटेगा तो नीचे वाली संख्या यानी आधार पलट जाएगा, तो एक बटे तीन की घात माइनस दो की जगह हो गया तीन की घात दो गुणे तीन की घात दो, यहाँ पे आधार बराबर हो गया तो तीन की घात दो धन दो, घातें जुड़ जाएंगी, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो तीन की घात दो और दो चार, यही हमारा आंसर आ गया। आगे प्रश्न है सात की घात दो गुणे सात की घात माइनस पाँच, तो ये सात की घात सीधा सा हो जाएगा दो धन माइनस पाँच, तो ये सात की घात दो माइनस पाँच, तो ये सात की घात हो जाएगा माइनस तीन, और ये माइनस तीन है तो माइनस तीन हटेगा तो एक बटे सात की घात तीन, यही हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखो एक बटे दो की घात माइनस दो गुणे दो की घात दो भाग दो की घात माइनस तीन, इधर आधार हमारा सही है, इधर भी हम आधार दो कर लेंगे, तो उसके लिए ऊपर जो चिन्ह माइनस का है वो बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा दो की घात दो गुणे दो की घात दो भाग दो की घात माइनस तीन, तो ये दो की घात, अब ये गुणा है यहाँ पे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, दो और दो दो धन दो, और ये भाग है इसके बीच में तो ये दोनों घटेंगे, माइनस माइनस तीन, माइनस लगेगा और फिर माइनस तीन है, तो ये हमारा हो जाएगा दो की घात दो धन दो और ये माइनस माइनस प्लस तीन हो जाएगा, तो दो की घात दो दो चार और पाँच छः सात, इतना आएगा हमारा आंसर, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं चार की घात तीन उसकी घात तीन भाग चार की घात पच्चीस गुणे चार की घात चार उसकी घात चार, तो देखो घात पे घात का गुणा होता है, चार की घात तीन थिया नौ भाग चार की घात पच्चीस गुणे चार की घात चार चौको सोलह, अब देखो चार की घात इधर है भाग तो ये दोनों आपस में घटेंगे, नौ माइनस पच्चीस और ये है गुणा तो यहाँ इन दोनों के बीच होगा प्लस का चिन्ह प्लस सोलह, तो ये कितना हो जाएगा चार की घात सोलह और नौ धन के हैं जुड़ जाएंगे पच्चीस माइनस पच्चीस, तो बराबर चार की घात पच्चीस प्लस के पच्चीस माइनस के कट गए जीरो आया, चार की घात जीरो, किसी की घात जीरो हो तो उसका मान हमारा एक हो जाता है, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आएगा एक, ठीक है। आगे संख्या है कि सात बटे तीन की घात दो, तो यहाँ पे देखो भाग उनचास बटे नौ की घात दो, तो देखो सात बटे तीन की घात दो भाग उनचास बटे नौ को हम लिख सकते हैं सात बटे तीन की घात दो, और ये जो घात दो है ये बाद में ऊपर घात दो कर दिया,
तो इस प्रकार से ये 7/3 की घात 2 / 7/3 की घात, अब ये घात पे घात का क्या हो गया, गुणा हो गया, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4। तो इस प्रकार से 7/3 की घात, अब आधार बराबर हो गया तो घातें भाग है ना, तो भाग में घातें घट जाएंगी, 2 - 4, तो ये आएगा 7/3 की घात - 2, 2 धन के 4 लड़के हैं तो -2 बचेंगे। अब यहाँ पे भी अगर हम माइनस चिन्ह हटाना चाहें तो आधार हमारा पलट जाएगा, 7/3 की जगह हो जाएगा 3/7 की घात 2, तो यहाँ पे हमारे ये दोनों आंसर हो गए, या तो हम लिख दें 7/3 की घात - 2 या फिर हम लिख दें 3/7 की घात 2। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न पर। तो हमारा आखिरी प्रश्न है कि निम्नांकित सारणी में खाली स्थान भरिए, और ये साधारण रूप है और ये वैज्ञानिक संकेत यानी मानक रूप में लिखना है, और मानक रूप में लिखते कैसे हैं, दशमलव कहीं भी हो, जब कहीं नहीं होता तो आगे होता है, एक अंक बाद दशमलव लाते हैं, तो जब भी दशमलव पीछे जाएगा तो घात उतनी धनात्मक चढ़ती चली जाएगी। किस तरीके से, देखो यहाँ पे दशमलव कहीं नहीं था, इसका मतलब सबसे आगे था, तो ये इतने अंक दशमलव पीछे जाएगा तो उतनी घात ऊपर धन में आ जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 1 दशमलव यहाँ पे दशमलव आ गया, 4, 9, 6 और गुणे 10 की घात 7 प्लस 7, 7 अंक इधर आया है ना, और अगर कभी दशमलव आगे जाएगा तो वो माइनस में आएगा, जैसे ये दशमलव यहाँ पे, ये दशमलव कहाँ आएगा, एक अंक बाद यहाँ पे, तो तब घात में आ जाएगा माइनस, कितना आएगा, ये इसी को पहले कर देते हैं, ये आ जाएगा 1.2 × 10 की घात - कितने अंक आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - 7 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। आगे देखो, यहाँ पे दशमलव बीच में नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे है, तो ये दशमलव आएगा यहाँ पे एक अंक बाद, तो इसको पहले लिख लो, 1.3572 × 10 की घात, अब कितने अंक पीछे गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 की घात 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दशमलव कहीं नहीं, इसका मतलब यहाँ पे है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 5.2 × 10 की घात, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 की घात 8। ठीक है, अब यहाँ पे हमें साधारण रूप में अगर लिखना है तो ये संख्या लिख लो पहले, 3, 8, 4, 4, अब ये 10 की घात 8 है और दशमलव था यहाँ पे, तो 8 अंक दशमलव आगे जाएगा तब 8 जीरो खत्म होगी, 1, 2, 3, 3 जीरो खत्म हो गई यहाँ तक दशमलव आने में, अभी भी बची 5 जीरो, 8 था ना यहाँ पे, तो 5 जीरो आ जाएंगी आगे, 1, 2, 3, 4, 5, अब देखो यहाँ दशमलव होना चाहिए, अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, इसी तरीके से आगे वाला प्रश्न देखो, 1, 0, 8, अब यहाँ पे 10 की घात 11 था, 2 अंक पीछे दशमलव है, तो 2 जीरो तो इसमें ख़त्म हो जाएंगी, ये दशमलव यहाँ तक आने में, तो 11 घात था उसमें 2 कम हो गई, कितनी बची, 9, तो ये 9 जीरो यहाँ पे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हो गया साधारण रूप। यहाँ पे देखो 10 की घात 10 और ये 22.22, तो ये 2 जीरो तो ये दशमलव यहाँ से यहाँ तक आने में ख़त्म हो जाएंगी, तो बचेंगी 8 जीरो, यहाँ पे हमने लिख लिया 2, 2, 2, 2 और ये कितनी जीरो बची थी वहाँ पे, 8 जीरो, वो हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक, ये हो गया साधारण रूप। अब आगे देखो, इसको हमें मानक रूप में लिखना है तो ये वही काम करेंगे, दशमलव आएगा यहाँ पे 5.5 × 10 की घात, अब ये 1, 2, 3, 4 अंक इधर आया तो -4 आगे आएगा, तो माइनस लगेगा घात में, यहाँ भी देखो यही काम, यहाँ पे दशमलव आएगा यहाँ पे, तो 1, 2, 3 अंक बाद आएगा, तो 10 की घात - 3 और इधर कितना होगा, 2.576। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे 1.21, बहुत अच्छा है, 1, 2, 1, यहाँ पे -8, तो -8 है इसका मतलब पीछे दशमलव जाएगा, तो 1
जीरो यहाँ तक आने में ख़त्म हो गई पीछे, अब बची यहाँ पे 7 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो। माइनस चिन्ह अगर यहाँ पे है तो इसका मतलब जीरो पीछे बढ़ेगी, दशमलव पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। प्लस है तो दशमलव आगे की तरफ आएगा, यहाँ पे भी माइनस है तो 2.5 है तो 1 जीरो तो यहीं पे ख़त्म हो गई, बची 3 जीरो, तो 2 5 और 1 2 3 जीरो इसके पीछे लगा दें, फिर दशमलव लगा दें, ये साधारण रूप हो गया। यहाँ पे देखो 10^-11 है, तो पहले तो हम 6 0 0 1 लिख लिया, और ये चूँकि माइनस है घात के इसलिए दशमलव पीछे जाएगा, जब भी घात में माइनस होगा तो दशमलव पीछे जाएगा, घात में प्लस है तो दशमलव आगे आएगा, यानी कि जीरो आगे लगेंगे, घात में माइनस है तो जीरो पीछे लगेगी, तो घात माइनस 11 था तो 1 जीरो तो यहीं ख़त्म हो गई 6 के पीछे आने में दशमलव, उसके बाद 10 जीरो और बची, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आ गया दशमलव, तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का ये हमारा साधारण रूप हो गया। आई होप कि आप लोग इस साधारण रूप को मानक रूप में और मानक रूप को साधारण रूप में लिखना सीख गए होंगे, और इसी प्रश्न के साथ साथ हमारी ये पूरी इकाई 2 घातांक कंप्लीट होती है। आई होप कि आप लोग इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।